वेलकम इन माय चैनल ट्रिक ट्रिक्स 104। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी सस्ती और यूनिक आइटम जिसे कि देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरह। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक घसनी जो कि मैंने लोकल मार्केट से ओनली 80 रुपीज में परचेज की है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो आप घसनी देख रहे हैं यह 4-in-1 है। ये देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसके यूजेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इस हैंडल को पकड़कर आप इसे स्टैंड कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप आसानी से कुछ भी घिस सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप जो दूसरी घसनी लाते हैं उसमें फ्रेंड्स हैंडल नहीं दिया हुआ होता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे आपको यूज़ कर भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक लौकी ली है यानी कि आल, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पोटैटो लिया है यानी कि आलू। तो चलिए फ्रेंड्स इनका इस पर ट्राई कर देखते हैं कि ये कैसा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है, अब मैं इसे इस पर ट्राई कर देखूँगा कि ये कैसा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बड़ा वाला लिया है क्योंकि फ्रेंड्स छोटे वाले में ये पतली निकलती है, लेकिन अगर ये झाड़ा वाला है तो इसमें जड़ी निकलेगी। और फ्रेंड्स अगर आप गाजर जो होती है उसे अगर आप इस पर घिसते हैं तो फ्रेंड्स वह जल्दी नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स इस वाले पर घिसते हैं तो गाजर भी जल्दी घिस जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसे आपको घिस कर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हैंडल से पकड़ लिया है, अब मैं इसे आपको घिस कर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इससे कैसा घिसाया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसके अंदर से इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छी तरह से यह निकली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हम फ्रेंड्स ये जो आलू है, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो आलू है, अब हम इस पर इसकी चिप्स निकाल कर देखेंगे कि ये कैसी है। चलिए फ्रेंड्स इसकी चिप्स निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ इसकी चिप्स निकल रही, और फ्रेंड्स इससे आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और आप इसे आसानी से भी चिप्स निकाल सकते हैं, और फ्रेंड्स आप इसे फ्राई कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसी घिसाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आधे ही आलू से इतनी सारी चिप्स निकल चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से निकली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब आप चाहे तो इसे आप फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इसे तेल में तल कर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो है अब इस पे भी हम आलू को घिस कर ट्राई कर देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिजाइन में आलू निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आलू का क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आलू निकाल देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आलू भी कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी तरह से घिस चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस वाले का एक और भी यूज है। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसका एक और क्या यूज है। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक आलू लेना है, फिर इस पर घिसना है, और जब आलू के ऊपर डिजाइन आ जाए तब आपको फिर ये जो ये वाला मुंह है जिससे चिप्स निकलती है इस पर आपको एक बार इसको घिस देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिजाइन गायब हो गई यानी डिजाइन चिप्स के अंदर आ गई। तो फ्रेंड्स देखते हैं चिप्स कैसी निकली है। तो फ्रेंड्स ओ फ्रेंड्स मेरे से तो चिप्स सही नहीं निकली। फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो आप चिप्स अच्छी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी एक और भी खासियत है कि फ्रेंड्स ये बहुत ही, जो आप जितने भी ये देख रहे हैं ये सब ब्लेड शार्प है, और फ्रेंड्स इसे जो है आप बहुत ही इजीली भी वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो आप भी इसे
लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।